दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एससी वर्ग के छात्रों को विदेश में पढ़ाने का ऐलान किया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में अभी तकरीबन 5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार अभी से चुनावी मोड में आ चुकी है। यही वजह है कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अब तक दर्जन भर से अधिक चुनावी तोहफे दे चुके हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में पढ़ाई के इच्छुक राजधानी के अनुसूचित जाति के छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। इस योजना का लाभ 8 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों के छात्रों को मिलेगा। बृहस्पतिवार को दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में SC/ST विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएशन और PhD स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए चयनित 100 छात्रों को वित्तीय सहायता देगी। इसमें इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और मेडिसिन, इंटरनेशनल कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस शामिल है। मंत्री राजेंद्र पाल ने बताया कि छात्र दिल्ली का नागरिक होना चाहिए और उसके पास दिल्ली में रहने का 5 साल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह लाभ एक परिवार के एक छात्र को ही मिलेगा। 2 साल के कोर्स के लिए 10 लाख रुपए और 4 साल के कोर्स के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए SC/ST विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो अनुदान को स्वीकृत करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को लिखित में देना होगा कि वह उस कोर्स के लिए किसी सरकार या विश्वविद्यालय से कोई छात्रवृत्ति या अन्य वित्तीय लाभ नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं, छात्र को विभाग के सचिव के पास कोर्स एप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी जमा कराना पड़ेगा। छात्रवृत्ति की पहली किस्त दाखिला निश्चित होते ही छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। बाकी रकम 6 महीने और साल के अनुसार कोर्स की प्रगति के हिसाब से छात्र को दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSNSL न्यूज। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।